हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। स्वागत है आप सभी का द कहानी सीरीज के आज के इस लेक्चर में, जहां पर हम क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसे रैपिडली रिवाइज करने वाले हैं। धुआंधार तरीके से क्या करने वाले हैं, पूरा एक बार में समझने वाले हैं। इस छोटे से पॉकेट वीडियो से आपका कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। जी हाँ, रिवीजन होने वाला है। हार्डवर्क को आप रिप्लेस नहीं कर सकते। आपको चैप्टर्स पढ़ना पड़ेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करना पड़ेंगे सॉल्व, लेकिन इस चीज की मैं गारंटी देता हूं कि एग्जाम के एक दिन पहले ये आपको स्नैप रिकैप के लिए बहुत मददगार साबित होने वाला है। तो डाइविंग स्ट्रेट इनटू द चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज। चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है कहां से कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, तो अगर आप जैसे उठाकर देखेंगे कि डेमोक्रेसी में जो मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। ये जो चैप्टर है ये इसी के इर्द गिर्द है, ठीक है। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज, हमें क्यों पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए, कौन सा पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम बेस्ट होता है, किस किस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती है, अब ये पॉलिटिकल पार्टीज क्या चैलेंजेस फेस करती है और क्या रिफॉर्म लाए जाना चाहिए, तो इन कुछ टॉपिक्स में चैप्टर कसा हुआ है, बंधा हुआ है, ठीक है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज की हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज में वही वाली बात है कि मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है। आप किसी एक कह सकते हैं इलिटरेट इंसान से भी जाके पूछोगे डेमोक्रेसी के बारे में, तो वो इतना आपको जरूर बता देगा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज जो रहती है डेमोक्रेसी का एक क्या रहती है, एक इंटीग्रल पार्ट रहती है। तो इस सेंस में पॉलिटिकल पार्टीज मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है। पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत हमें होती ही होती है, और या फिर कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी को एसोसिएट किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ में। अब अगर हम देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, तो पॉलिटिकल पार्टीज आर ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड टू होल्ड पावर, ठीक है। मतलब क्या है कि कुछ लोग एक साथ आए हैं, किस लिए, ताकि वो चुनाव में लड़ सके। अब लड़ने से मेरा तात्पर्य नहीं कि कुश्ती लड़े, ठीक है। लड़ने से मतलब क्या है कि वो वहां पे लोगों को परसुएट कर सके कि उनकी पॉलिसी बेस्ट होने वाली है, वो लोगों को ये एहसास दिला सके क्या कि हम लोग, अगर आप हमें सपोर्ट करोगे, हम कल को सरकार बनाएंगे, सरकार बनाकर हम क्या करेंगे, बेहतरीन तरह से सभी जो वादे कर रहे हैं वो वादों पर हम काम करेंगे, एटलीस्ट बोलते तो यही है, ठीक है। तो उस तरह से क्या होता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज का आपने एक बेसिक एसेंस देखा। अब क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज क्या दर्शाती है, सोसाइटी का पॉलिटिकल डिवीजन, फंडामेंटल डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन जो हम बात करें कि पॉलिटिकली लोगों के क्या ओपिनियंस है, ठीक है। कोई हो सकता है पॉलिटिकल पार्टी ए को कह सकते हैं सपोर्ट कर रहा हो, कोई बी को सपोर्ट कर रहा हो। इस कारण से पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। पार्टीशनशिप मतलब क्या है कि एक इंडिविजुअल का कमिटमेंट उसकी पार्टी के टुवर्ड्स ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज को क्रिटिसाइज भी करता है और दूसरे फैक्टर्स को नेग्लेक्ट भी कर देता है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वो पॉलिटिकल पार्टी सही होती है, ठीक है। तो पार्टीशनशिप आपको पॉलिटिकल पार्टी में देखने को मिलता है। साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज की अगर बात करें तो बेसिकली तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में। आपको तीन मेन कंपोनेंट्स में एक लीडर्स देखने को मिलते हैं, दूसरे जो देखने को मिलते हैं एक्टिव मेंबर्स, और तीसरे फॉलोवर्स। लीडर्स वो होते हैं जो मेजर पॉलिसी डिसीजन वगैरह लेंगे पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ, ठीक है। एक्टिव मेंबर्स कौन होते हैं, जो उस पॉलिटिकल पार्टी का कह सकते हैं पहिए होते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज को आगे बढ़ाते हैं, जो रात दिन काम करते हैं। और फॉलोअर्स वो होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपने वोट्स के थ्रू, ठीक है। कह सकते हैं कि वो क्या करते हैं, वो उस पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक होते हैं, वो फॉलोअर हो गए जो आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, सिंपल। अब अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या होते हैं, तो ये जो एरिया है इस चैप्टर का, यहां से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है, ठीक है। शॉर्ट में किसी एक फंक्शन को उठा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन जनरल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप उठा के देखोगे तो क्वेश्चन बना है कि पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शंस क्या क्या है। स्टार्ट अगर करें तो सबसे पहले क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती है वो इलेक्शन कंटेस्ट करती है, ठीक है। अब क्या देख रहे हैं आप, पॉलिटिकल पार्टीज जो है, तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट्स को टिकट देती है, और वो कैंडिडेट्स क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। कहीं पे क्या देखते हो आप, कहीं पे मेंबर्स और कह सकते हैं जो जनता रहती है वो डिसाइड करती है कि कौन उनका कौन उस पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन कंटेस्ट करने वाला, और कहीं पे टॉप पार्टी लीडर्स जैसे इंडिया में तय किया जाता है, ये तय कर लेते हैं कि कौन चुनाव लड़ेगा। पहला फंक्शन हो गया कंटेस्ट इलेक्शन। दूसरा होता है पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म पॉलिसीज एंड कह सकते हैं पॉलिसीज और प्रोग्राम जो है, तो पॉलिसीज प्रोग्राम बनाने में पॉलिटिकल पार्टीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे, तो देखो अब क्या है, सोसाइटी में सबके अलग अलग व्यू पॉइंट हो सकता है कि कैसे डेवलपमेंट हो। अब उन सब सारे व्यू पॉइंट्स को अलग अलग व्यू पॉइंट्स को देखोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट टू मेक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। तो वहां पे क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ये वाइड ओपिनियंस को नैरो डाउन करती है। पॉलिटिकल पार्टीज एक स्टैंड लेती है, और पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टैंड लेती है तो उसी स्टैंड पे रूलिंग पार्टी भी क्या करती है, लॉज बनाती है। तो इस तरह से अगला फंक्शन जो होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही है, पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाती है। तीसरी चीज देखें तो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के लिए ढांचा बनाती है पॉलिटिकल पार्टीज, और जब यही पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है तो लॉ जब बनता है ना, तो उस लॉ में
पॉलिटिकल पार्टीज का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। कैसे? क्योंकि उस लॉ को अप्रूव करने के लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमएलए क्या कह सकते हैं, अपना वोट देते हैं, अपना अप्रूवल देते हैं ना, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वो कह सकते हैं एमएलए जो रहते हैं, वो क्या रहते हैं, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि जो स्टैंड पॉलिटिकल पार्टी लेती है किसी भी लॉ को बनाने के ऊपर कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे या फिर अपोज करेंगे, वही स्टैंड क्या करना पड़ता है, वो सारे के सारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्हें लेना पड़ता है, क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो इस तरह से मेकिंग लॉज, ठीक है, लॉ मेकिंग में पॉलिटिकल पार्टी का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो अब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रही है, इलेक्शन कंटेस्ट करती है। डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड टू होल्ड पावर। पावर होल्ड करना मतलब सरकार बनाना। तो क्या देखते हैं आप कि जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतती है वही सरकार बनाती है। तो पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म्स द गवर्नमेंट, ये आपका चौथा फीचर हो गया। ठीक है, एक बार रिकैप करें, क्या होता है, इलेक्शन कंटेस्ट करती है, पॉलिसीज प्रोग्राम्स को इन्फ्लुएंस करती है, लॉज बनाती है और साथ ही साथ सरकार बनाती है। अब जो पॉलिटिकल पार्टी जीत नहीं पाई, ठीक है, ये तो जो जीतेगी वो इतना कर रही है, जो जीत नहीं पाई है वो क्या करेगी, वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है। अपोजिशन का रोल कैसे प्ले करती है, तो वो जो रूलिंग पार्टी है उसको क्रिटिसाइज करती है, रूलिंग पार्टी के प्रोग्राम पॉलिसी को सपोर्ट करती है या फिर अपोज करती है। ठीक है, तो जो पार्टी इलेक्शन में जीत नहीं पाती वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है, जिससे क्या करती है, वो एक बैलेंस ऑफ पावर बनाए रखती है। पांचवा फीचर हो गया। साथ ही साथ क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती ना वो पब्लिक ओपिनियन को शेप करती है। कैसे, एक सवाल अब यहां भी बन सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को कैसे शेप करती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज में आप क्या देखते हैं, लैक्स ऑफ मेंबर्स होते हैं। अब ये लाखों मेंबर जो होते हैं तो दे फॉलो रिलीजियसली, ठीक है, टू द स्टैंड्स व्हिच पॉलिटिकल पार्टी इज गोइंग टू टेक। पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई भी मुद्दे पे जिस तरह का रवैया लेती है, लोगों जो फॉलोवर्स होते हैं ना, वो फॉलोवर्स का नजरिया भी वैसा ही बन जाता है। तो इस सेंस में पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, पब्लिक ओपिनियन को शेप करती ही करती है। ठीक है, अब साथ ही साथ आप देखेंगे तो पॉलिटिकल पार्टी एक और इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी। ठीक है, एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी क्या है कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए अपने वार्ड के उस नेता के पास पहुंचना आसान है व्हेन कंपेयर्ड विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, एक तरह से एक ब्रिज का काम करती है आम जनता के बीच में और सरकार के बीच में, सरकार की नीतियों के बीच में। तो एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी, इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज एक यह फंक्शन भी परफॉर्म करती है। तो आपने यहां पे सात फंक्शंस देखे पॉलिटिकल पार्टीज के, कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है। अब इन सारे फंक्शंस के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन इनकी जरूरत क्या है, बिना पॉलिटिकल पार्टीज के काम नहीं चल सकता है क्या। तो देखिए, Why modern democracies cannot exist without democracy? This is the question. तो यहाँ पे आपको सिंपल सी चीज बताना है, क्या होता है कि आज के समय में अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज नहीं रखोगे तो प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्या कि आप कंट्री के लिए नेशन वाइड कोई प्रोग्राम्स बना पाओ। ठीक है, प्रैक्टिकली हो जाएगा कि जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक ही सीमित रहेंगे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, पूरी कंट्री में अपना नेटवर्क फैलाती है, तो पूरी कंट्री के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्हें आपस में कोऑर्डिनेट करवाती है। तो इस सेंस में मॉडर्न डेमोक्रेसी जो कि आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, जहां पे आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से डिसीजंस लेना होते हैं, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लॉज बनाना होते हैं, वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज एक बोलते ना कि एक क्या करती है, एक लिंक प्रोवाइड करती है सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को आपस में जोड़ने के लिए। ठीक है, इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज क्या हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सोसाइटी के बेसिक नेचर को दर्शाती है। जैसे जो नॉन पार्टी बेस्ड पंचायत इलेक्शन होते हैं वहां पे तो पार्टी नहीं रहती है। ठीक है, वहां पे तो सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स रहते हैं, लेकिन आप क्या देखते हैं वहां पे भी गांव जो होता है, पंचायत इलेक्शन जो होते हैं वहां पे लगभग अलग अलग फ्रैक्शंस में, अलग अलग ग्रुप्स में सोसाइटी डिवाइड हो जाती है। तो ये दर्शाता है कि लोगों का ये बेसिक नेचर है कि वो अपने आप को डिवाइड करते हैं, वो अपने आप को ग्रुप्स में, फैक्शंस में अलग अलग फॉर्म करते हैं, और वही फैक्शंस को एक प्लेटफॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड करके देती है। ठीक है, तो व्हाई पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसरी या फिर व्हाट इज द नेसेसिटी, तो आपको बताना होगा कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। रीजन इज वेरी क्लियर कि आप कोऑर्डिनेशन कैसे इंश्योर करोगे। ठीक है, इनफैक्ट ये बेसिक नेचर होता है। साथ ही साथ आज के समय में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर लेते हैं, लेकिन वो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं, तो सारे रिप्रेजेंटेटिव्स एक साथ कब आ पाते हैं, जब उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। सो इस सेंस में पॉलिटिकल पार्टीज की नेसेसिटी बहुत नेसेसरी, पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी नेसेसरी। ठीक है, और उनकी नेसेसिटी क्या है ये मैंने आपको समझाया। अब अगर आगे बढ़े थोड़ा सा, तो हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव,
हमें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए या फिर पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के कितने सिस्टम होते हैं, ये एक सवाल बनता है, ये एक सवाल बनता है। तो देखिए आज आप क्या देख रहे हैं, आज आप जैसे देखेंगे तो हर कंट्री जो है ना, तो हर कंट्री में एक अलग पॉलिटिकल सिस्टम है। कहीं पे वन पार्टी सिस्टम है, कहीं पे टू पार्टी सिस्टम है, कहीं पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। वन पार्टी सिस्टम क्या है, टू पार्टी सिस्टम क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है, किसका क्या सिग्निफिकेंस है, किसके फायदे हैं, किसके नुकसान है, वो समझो। तो वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां पे एक पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, डोमिनेट करती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होने मतलब दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज होती ही नहीं है। तो जैसे चाइना में देखेंगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जो है वो एकमात्र सिंगल पॉलिटिकल पार्टी है, वहां पे लोगों के पास में ऑप्शन नहीं होगा। तो ये वन पार्टी सिस्टम वाला जो सिस्टम रहता है ना, इसे नॉन डेमोक्रेटिक कंसिडर किया जाता है। क्यों नॉन डेमोक्रेटिक कंसिडर किया जाता है पता है, क्योंकि यहां पे कह सकते हैं वोटर्स नॉट हैव दी ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, और ये इस तरह का सिस्टम नॉन डेमोक्रेटिक कहलाएगा ही कहलाएगा, ठीक। दूसरा अगर देखें टू पार्टी सिस्टम, तो टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है, मेनली पावर जो रहती है वो दो पार्टीज के बीच में शिफ्ट होती रहती है, ठीक है। और भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है लेकिन उनका होना ना होना एक ही बात रहती है। तो दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जहां पावर शेयर होती है वो टू पार्टी सिस्टम कहलाता है। टू पार्टी सिस्टम में जैसे आप देखेंगे यूके हो गया, ठीक है, यूएसए हो गया, तो वहां पे आपको टू पार्टी सिस्टम देखने को मिल जाता है। तीसरा जो है वो है मल्टी पार्टी सिस्टम। अब ये मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या है, टू और मोर देन टू पॉलिटिकल पार्टीज जहां एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जहां पे दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती है और फेयर चांस होते हैं कि जो दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मतलब तीसरी चौथी पॉलिटिकल पार्टी उसके पावर में आने के चांसेस हो, जैसे कि इंडिया में। इंडिया में आप क्या देखेंगे कि इंडिया में मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज हैं और रीजनल लेवल पे नेशनल लेवल पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आई है। नो डाउट आपको दो बड़ी पार्टीज देखने को मिलेगी लेकिन मल्टीपल पार्टीज के अलग अलग लेवल पे पावर में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। और ये मल्टीपल पार्टीज एट टाइम्स क्या करती है, कोलिजन बनाती है, एट टाइम्स क्या बनाती है, ग्रुप बनाती है, अलायंस बनाती है, अलायंस बना के एक साथ आती है और पावर होल्ड करती है। जैसे एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है जो 2014 से पावर में है, ठीक है, उसके पहले यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस था जो 2004 से 14 तक पावर में था, वैसे ही लेफ्ट फ्रंट भी एक अलायंस है, ठीक है। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में आपको क्या देखने को मिलता है, कोलिजन, इस तरह का गठबंधन भी देखने को मिलता है। अब क्या होता है ना, मल्टी पार्टी सिस्टम के एडवांटेज ये है कि इससे इनस्टेबिलिटी होती है, क्या कि किसी ने सपोर्ट हटाया कि क्या होता है वो कोलिजन गवर्नमेंट गिर जाती है। लेकिन अल्टीमेटली ये होता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम में एक एडवांटेज ये भी कि जो वैरायटी ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, ठीक है, जो अलग अलग क्या है पॉइंट ऑफ व्यूज है सोसाइटी के, उसको आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छी तरह से अकोमोडेट कर सकते हो, वो आपको मल्टी पार्टी सिस्टम में मिल जाएगा। अब सवाल अगेन वही आया घूम के, तो विच ऑफ दी पार्टी सिस्टम इज बेस्ट, ठीक है, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव, ठीक है। तो उसमें आपने क्या देखा, उसमें आपने मल्टीपल ऑप्शन देख लिए कि वन पार्टी भी हो सकता है, टू पार्टी भी हो सकता है, मल्टी पार्टी भी हो सकता है, लेकिन इनमें से कौन सा बेहतरीन है, ठीक है। तो इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन विच पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इज बेस्ट, तो दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन टू बी आस्क। क्यों, क्योंकि पार्टी सिस्टम इज नॉट समथिंग विच कंट्री चूजेस, ठीक है। इनफैक्ट क्या होता है, पार्टी सिस्टम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व होता है किसी भी देश में। कैसे इवॉल्व होता है पार्टी सिस्टम, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, वहां पे आपको ये देखने को मिलता है पार्टी सिस्टम में कि कंट्री का जो डेमोग्राफिक कंपोजिशन है, जो कंट्री का कह सकते हैं कि वहां पे सोसाइटी में अगर डाइवर्सिटी है बहुत ज्यादा तो ऑटोमेटिकली मल्टी पार्टी सिस्टम वहां पे सूट करेगा, लेकिन अगर सोसाइटी क्या एक जैसी है, वहां पे ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो वहां वन पार्टी सिस्टम भी चल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगी कि पार्टी सिस्टम एक ऐसी चीज है वो इवॉल्व होता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सोसाइटी, डिपेंडिंग ऑन द हिस्ट्री और पॉलिटिकल practices which the country follows. So this was all about how many political parties should we have, या फिर कौन सा political party system best है। अब इस हिसाब से अगर आप जैसे देखोगे तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, इंडिया में आपको अलग अलग तरह से पार्टीज देखने को मिल जाएगी। तो इंडिया में नेशनल पार्टीज भी होती है और स्टेट पार्टीज भी होती है। देखो एक बार रिकॉल करो जो हमने यहां तक पढ़ा, आपने political parties को basically समझा, उनके function को, क्या necessity है political parties की और किस किस तरह का party system होता है, इतनी चीजें देख ली। अब ये सब देखने के बाद में कैसी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज। नेशनल पार्टीज क्या होती है, तो देखो हमारे आपको क्या देखने को मिलता है, हमारे इलेक्शन कमीशन के पास में 750 से भी ज्यादा क्या है पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है, लेकिन सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज का पावर में आना पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ ही बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज का फेस देखने को मिलता है। तो ऐसी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जिनका नेशन वाइड क्या होता है, स्प्रेड होता है, जिनका नेशन वाइड दबदबा होता है, ये पॉलिटिकल पार्टीज नेशनल पार्टीज कहलाती है, ठीक है। ये जो नेशनल पार्टीज होती है तो इन्हें क्या रहता है, जो नेशनल पार्टीज होती है तो इलेक्शन कमीशन इन्हें रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा देता है, इनको कुछ स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे क्या इनको पार्टी सिंबल दिया जाता है, वो पार्टी सिंबल कोई दूसरा
इंसान यूज नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से वो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज होती है। अब किस बेसिस पर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज करते हो, तो वहां पे दो क्राइटेरियाज दिए, और यहां से सवाल बनता है कि व्हाट आर द क्राइटेरियाज व्हिच अ पॉलिटिकल पार्टी शुड बी मस्ट फुलफिल टू बिकम अ नेशनल पार्टी और टू बिकम अ स्टेट पार्टी। तो नेशनल पार्टी के लिए क्राइटेरिया सुनो, ठीक है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अगर लोकसभा के चुनाव में 6% वोट टोटल वोटर्स में से 6% वोटर्स के वोट सिक्योर करें लोकसभा के चुनाव में, या फिर 4 states में 6% वोट सिक्योर कर लिए हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वो नेशनल पार्टी कहलाएगी। साथ ही साथ उसको 4 लोकसभा सीट्स भी जीतना पड़ेगी। रिकैप क्या कि 6% वोट इन लोकसभा इलेक्शन और 6% वोट इन 4 state लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एंड इसी के साथ साथ 4 लोकसभा में सीट जीतना चाहिए तो नेशनल पार्टी, और स्टेट पार्टी की तरह रिकॉग्नाइजेशन, स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन लेने के लिए, ठीक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन लेने के लिए क्या चाहिए रहता है, 6% वोट कहां पे, उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, जो स्टेट, जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी को मध्य प्रदेश की स्टेट पार्टी बनना है, तो उस मध्य प्रदेश के जो टोटल वोटर्स हैं उनमें से 6% वोटर का वोट सिक्योर करना होगा, एंड ठीक है, साथ ही साथ कम से कम 2 seats स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जीतना होगा। तो ये स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया होगा, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया क्वालिफाई करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नेशनल या स्टेट पॉलिटिकल पार्टी बन सकती है। और उस हिसाब से अगर जैसे देखें तो 2018 के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ 2018 आपकी कंट्री में कौन कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, यहां आप सभी लोगों की समस्याएं आती है कि सर ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज कैसे याद रखें। मैं आपको यहां पे एक निंजा टेक्निक बताने वाला हूं। वो जो निंजा टेक्निक है उसमें सिंपल सी चीज है कि आपको सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक एक बैठ के रटना नहीं है, आपको एक पैटर्न पकड़ना है कि हर पॉलिटिकल पार्टी का कोई सिंबल होगा तो वो सिंबल आपको ध्यान रखना होगा कि क्या कि लोटस जो है सिंबल हो गया किसका, बीजेपी का। अगर बीजेपी के ऊपर लिखने को आता है तो आप लिख सकते हो कि बीजेपी जो है एक सिंबल क्या है, उसका लोटस सिंबल है, ठीक है। जैसे अब क्या होता है कि बहुजन समाज पार्टी पे लिखने को आता है तो आप बोल सकते हैं एलिफेंट जो उनका सिंबल है। तो पैटर्न पकड़ो, हर पॉलिटिकल पार्टी में सिंबल मिलेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी का फाउंडिंग ईयर आपको मिलेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी में अगर किसी का, जैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टी में लीडर्स के नाम नहीं है लेकिन जहां जहां लीडर्स के नाम है तो लीडर्स के नाम ले सकते हो। साथ ही साथ आइडियोलॉजी, हर पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी, अब आप एक चार्ट बना सकते हो, एक टेबल बना सकते हो, उस टेबल की मदद से क्या हो जाएगा, उस टेबल की मदद से चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए कि आपको ये पैटर्न पकड़ना है, सिंबल, फाउंडिंग ईयर अगर कोई लीडर है तो, और आइडियोलॉजी। इतना कंटेंट सफिशिएंट है आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आंसर लिखने के लिए। 3 नंबर से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज को इलैबोरेट करने के लिए क्वेश्चन आना नहीं है, ठीक है, इतना मेरे नाम पे रिस्क लेके चलो, ठीक है। तो ये बेसिक पैटर्न पे आप चीजें ध्यान रख सकते हो। कैसे, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कौन कौन सी नेशनल पार्टीज हैं, तो नेशनल पार्टीज की बात करें, अगर ABCD सीक्वेंस में जाते हैं अल्फा मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो सबसे पहले ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है कब बनी, 1st of January 1998 में, ठीक है। एक पैटर्न हमने पकड़ लिया कि सबका फाउंडिंग ईयर रहेगा। इसका सिंबल क्या है, तो आप क्या देख सकते हो, फ्लावर एंड ग्रास इसका सिंबल है, फ्लावर एंड ग्रास इसका सिंबल है। साथ ही साथ अब लीडर की बात करें तो ममता बनर्जी वॉज द प्रोमिनेंट लीडर, ठीक है, इज द प्रोमिनेंट लीडर वेस्ट बंगाल। अब जैसे आप क्या है, अब आप इतना समझ जाओगे तो आप आधे आइडिया से मिल जाएंगे कि कहां है इसकी सिग्निफिकेंस, वेस्ट बंगाल में पावर में है, ठीक है। आप जैसे देखोगे तो एक बड़ी नेशनल पार्टी, 4th largest नेशनल पार्टी की तरह सिक्योर होकर आ रही है, इसके पास सीट्स भी है, वोट बैंक भी है। आइडियोलॉजी की अगर बात करें, तो आइडियोलॉजी की अगर हम बात करें तो उसमें आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सेकुलरिज्म फेडरलिज्म को सपोर्ट करती है, सिंपल सी चीज, सेकुलरिज्म फेडरलिज्म को सपोर्ट करती है। अब अगर आप बात करते हैं नेक्स्ट, तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बाद में जो पार्टी है बी से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलो ना, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है। तो बहुजन समाज पार्टी जो है, तो बहुजन से अपने आपको क्या समझ में आ गया कि जो मेजोरिटी बनाते, कौन मेजोरिटी बनाते, तो जो माइनॉरिटीज और शेड्यूल कास्ट दलित सेक्शन जो ना, तो ये सब साथ मिलके मेजोरिटी बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बहुजन समाज पार्टी जो है, बहुजन समाज पार्टी के बारे में बताया गया यहाँ पे। बहुजन समाज पार्टी का फाउंडेशन ईयर पैटर्न वही रहेगा, तो आपको फाउंडेशन ईयर ध्यान रहना होगा क्या कि 1984 में बहुजन समाज पार्टी को फॉर्म किया गया था। कांसीराम जो है वो इसके फाउंडर थे, एट प्रेजेंट आप देखेंगे तो मायावती सुप्रीम लीडर है, ठीक है। कांसीराम इनके बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर थे। अब बहुजन लीडर समझ में आ गया आपको, डेट समझ में आ गई है, सिंबल ध्यान रख लो, एलिफेंट सिंबल है बहुजन समाज पार्टी का। आइडियोलॉजी की बात करें तो आइडियोलॉजी में सिंपल सी चीज, आपको एक चीज ध्यान रखना है, क्या पावर टू, क्या कह रहे हैं, पावर टू बहुजन समाज जो है, पावर टू बहुजन समाज में माइनॉरिटीज हो गए, ठीक है, शेड्यूल कास्ट हो गए, शेड्यूल ट्राइब हो गए, इनके एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ठीक है। इनके एम्पावरमेंट की बात करती बहुजन समाज पार्टी, तो इंस्पिरेशन कहां से मिलेगा, तो जैसे आप देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ज्योतिबा फूले, तो ये जो पेरियर हो गए, ठीक है, ये सारे लीडर्स जिन्होंने हिस्ट्री में बात करी है, कहीं ना कहीं पास्ट में बात करी है,
शेड्यूल कास्ट और बहुजन समाज के एम्पावरमेंट की, तो वहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ आउट करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और जो नेबरिंग स्टेट है, उत्तर प्रदेश में कई बार सरकार बनाई है बहुजन समाज पार्टी ने, और जो नेबरिंग स्टेट है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, यहां पर भी इसकी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है। सिंपल आ जाओ, तीसरी पार्टी पैटर्न उठाओ क्या है, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। फाउंडिंग ईयर जैसे देखोगे तो 1980 में इसे फाउंड किया गया था, लेकिन उसके रूट्स अगर देखोगे ना तो जो जनसंघ पार्टी थी, जनसंघ पार्टी किसकी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह की। इसीलिए आप देखते होंगे कि बीजेपी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, इन लीडर्स को बहुत ज्यादा क्या करती है, फोरफ्रंट में रखती है। ठीक है, तो वही केस है क्या कि 1951 में जो जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया था, तो वहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ आउट करके वहीं से कह सकते हैं एक्सटेंशन है भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ का ही एक्सटेंशन है, 1980 में बनाई गई। ठीक है, ये हो गया आपको ईयर। सिंबल की बात कर लो पैटर्न में, तो सिंबल क्या है, लोटस का हो गया। लीडर्स में आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी लिख दो, दीनदयाल उपाध्याय जो वहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ आउट करती है। आइडियोलॉजीज की बात करें तो एंशियंट इंडियन कल्चर जो है वहां से इंस्पिरेशन ड्रॉ आउट करते हुए कल्चरल रैशनलिज्म, हिंदुत्व को प्रमोट करती है। आइडियोलॉजी में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात करती है, फुल इंटीग्रेशन ऑफ कश्मीर की बात करती है बीजेपी। ठीक है, तो ये सारी क्या हो जाएगी, आइडियोलॉजी वाला एस्पेक्ट हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का आइडियोलॉजी वाला एस्पेक्ट हो जाएगा। फाइन, अब जैसे अगर आप देखोगे तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को लीड करके एट प्रेजेंट पावर में है भारतीय जनता पार्टी, ये आप सभी को पता है। बीजेपी भी हो गया, तो आपने क्या कर लिया, चार पॉलिटिकल पार्टी सिंपल से पैटर्न के साथ याद कर लिए आई गेस। ठीक है, अब आता है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पैटर्न वही है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है सिंबल क्या है, तो यहां पे अगर आप सिंबल देखोगे तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का सिंबल ये वाला है। ठीक है, मतलब कि सिकल और ग्रेन्स आपको देखने को मिल जाएगा, सिकल और ग्रेन्स आपको देखने को मिल जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में सिकल और ग्रेन्स आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर्मेशन कब हुआ था, बहुत पुरानी पार्टी है, इंडिपेंडेंस के पहले की, 1925। ठीक है, तो एम एन रॉय वगैरह जो लीडर थे, बुक में नहीं लिखा लेकिन मैं एक हिंट दे रहा हूं आपको, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नींव रखी थी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है, तो अब जैसे आप देखेंगे क्या है, तो अगेन कम्युनिस्ट पार्टी है तो कम्युनिज्म में, ठीक है, मार्क्सिस्ट लेनिनिज्म में, इन आइडियाज में विश्वास रखेगी। साथ ही साथ आप जैसे देखोगे तो क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, तो अब ये आपको दिख रहा है ना, वर्कर्स वगैरह के सेक्शन के लिए लेफ्ट फ्रंट को एक साथ लाने की बात करती है। तो ये जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पुअर्स वर्कर्स के अपलिफ्टमेंट के लिए बात करती है। एक पॉइंट यहां जो ध्यान रख सकते हो आप, वो क्या है कि स्प्लिट जो हुआ था, ठीक है, स्प्लिट जो हुआ था एक 1964 में, वहां से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्या होती चली गई, दो भाग में डिवाइड हो गई थी। 1964 में जो स्प्लिट हुआ था उसी से अगली पॉलिटिकल पार्टी निकल के आई, एक पार्टी से दो पार्टी ध्यान हो जाएगी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ठीक है, तो अब यहां पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट में, कि 1964 में फॉर्म किया गया, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से स्प्लिट होकर पॉलिटिकल पार्टी निकली थी। इसका सिंबल क्या है, तो इसका सिंबल में सिकल और हैमर आ जाएगा, ये वाला सिकल और हैमर जो है, तो ये सिकल और हैमर इसके सिंबल में आ जाएगा। अब यहां पे भी आइडियोलॉजी वही रहने वाली है, सेम क्या आइडियोलॉजी रहने वाली है, तो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म में विश्वास रखती है ये पॉलिटिकल पार्टी रहेगी। एक चीज ध्यान रखना कि इसमें मतलब डिफरेंशिएटिंग पॉइंट किया जाएगा कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी 1991 में जो लिबरलाइज किया गया, उस चीज को अपोज किया। कारण, अपोज करने का कारण है कि वर्कर्स और उनके अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके वेलफेयर के लिए ज्यादा कह सकते हैं पुश करती है कम्युनिस्ट पार्टीज, लेफ्ट फ्रंट पार्टीज, और उन्हें ऐसा लगा कि कैपिटलिज्म डोमिनेट कर जाएगा लिबरलाइजेशन के बाद में, इसके लिए उन्होंने उस चीज को अपोज किया। समझ में आया यहां तक, तो एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट भी हो गई। अब अगर बात करते हैं तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी, 1885 में फॉर्म किया गया था एओ यूम के द्वारा, ध्यान हो तो। ठीक है, अब क्या होता है, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इंडिपेंडेंस दिलाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, लीडर्स में आप लिख सकते हैं जवाहरलाल नेहरू और ये जो लीडर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, ठीक है, जो इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड में फोरफ्रंट पे थे, उन सारे लीडर्स के थ्रू इस पॉलिटिकल पार्टी को क्या सकते हैं, एक वाइड स्प्रेड देखने को मिली है इसका आइडियोलॉजी के एस्पेक्ट पर। अगर बात करोगे तो सेंट्रिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, ये कीवर्ड हो जाएगा, नाइदर लेफ्टिस्ट नॉर राइटिस्ट, जैसे बीजेपी को राइटिस्ट कहा जा रहा है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को, ठीक है, लेफ्टिस्ट कहा जा रहा, तो कांग्रेस सेंट्रिस्ट पार्टी है जो सेक्युलरिज्म में वीकर सेक्शन और माइनॉरिटी के कह सकते हैं वेलफेयर में विश्वास रखती है। कांग्रेस को सेंट्रिस्ट पार्टी माना गया, एक लंबे समय तक क्या रही है, पावर में रही है, तो जैसे 1977 तक पावर में रही है इंडिपेंडेंस के बाद से, उसके बीच में भी क्या अलग अलग फ्रैक्शन में, लेकिन 1989 के बाद से इसका सपोर्ट थोड़ा सा डिक्लाइन होता चले गया। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी की अगर बात करें तो इसने किस अलायंस को लीड किया, यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस को लीड किया है किसने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। अब इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही स्प्लिट होकर एक और पॉलिटिकल पार्टी निकली है, इनफैक्ट आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जितने स्प्लिट सहे उतने किसी पॉलिटिकल पार्टी ने स्प्लिट नहीं सहे। ठीक है, तो यहां पे एक जो पॉलिटिकल पार्टी निकल के आती है, जो नेशनल पार्टी बनती है, वो है नेशनल कांग्रेस पार्टी। ठीक है, देखो सिंबल इंडियन नेशनल कांग्रेस का, पाम विथ फोर फिंगर्स एंड अ थंब, ठीक है, हाथ का पंजा,
ये सिंबल हो गया। वैसे अगर सिंबल की बात करें किसकी, नेशनल कांग्रेस पार्टी की, जो किससे निकली है, इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकली है। तो नेशनल कांग्रेस पार्टी का वही पैटर्न ध्यान रखना है, ईयर रहेगा 1999, ठीक है, 1999 में फॉर्म की गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस से ही स्प्लिट होकर निकली है ये नेशनल कांग्रेस पार्टी। इसका सिंबल क्या है, घड़ी वाला, ठीक है, क्लॉक जो है ना, तो क्लॉक नेशनल कांग्रेस पार्टी का सिंबल है। ईयर ध्यान हो गया, सिंबल ध्यान हो गया। लीडर की बात करें तो जैसे शरद पवार वगैरह लीडर है ऐसा, लेकिन बुक में नहीं दिया तो नहीं भी लिखना है आपको, आइडियोलॉजी पकड़ लो। तो यहाँ पे बेसिकली मेन चीज क्या है कि गांधीयन सेक्युलरिज्म हो गया, ठीक है, गांधीयन सेक्युलरिज्म हो गया, इन सारी चीजों में, इन सारे आइडियाज में विश्वास रखती है। लेकिन जो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा कि नेशनल कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि कंट्री के टॉप पोजिशन जो है, टॉप पोजिशन जो है वो नेचुरल बॉर्न सिटीजन के लिए रिजर्व रहे, सोनिया गांधी के साथ वाला कंफ्लिक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे, इनका ये मानना था नेशनल कांग्रेस पार्टी जो स्प्लिट होकर निकली है कि कंट्री की जो टॉप पोजीशंस है, ठीक है, पार्टी की जो टॉप पोजीशंस है, दो शुड बी रिजर्व फॉर दी नेचुरल या फिर नेचुरल बॉर्न सिटीजन, मतलब जो देश में ही पैदा हुआ, जिन्होंने बाहर से आके सिटीजनशिप ली, उन्हें हायर अथॉरिटीज या हायर पोजीशंस नहीं मिलना चाहिए, पॉलिटिकल पोजीशन। सो दिस वॉज दी स्टोरी अबाउट नेशनल पार्टीज। आई होप चुटकियों में नेशनल पार्टीज रिवाइज हो गई हुई ना, पैटर्न समझ में आया। अब वैसे स्टेट पार्टी की अगर बात करें तो स्टेट पार्टी पे आप लोग कंफ्यूज हैं कि क्या सर सारी स्टेट पार्टी याद रखना पड़ेगी, बिल्कुल नहीं, ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है कि स्टेट पार्टी का क्राइटेरिया क्या है, 6% वोट इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एटलीस्ट 2 seats इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, क्राइटेरिया ध्यान रखना। एक चीज ये ध्यान रखना कि स्टेट पार्टीज जो है, तो क्या हो रहा है कि विद टाइम आपको ये देखने को मिलेगा कि स्टेट पार्टीज जो है वो ग्रो करिए, स्टेट पार्टीज को रीजनल पार्टीज कहा जाता है, ये स्टेट पार्टीज जो है तो नेशनल लेवल पे, जब क्या होता है, जब कोलिजन गवर्नमेंट का एरा आया, जब कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज नहीं होती थी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को जैसे 1990s वाला टाइम पीरियड, कोई एक सिंगल पार्टी को जब मेजोरिटी नहीं मिलती थी, तब वहां पे ये जो स्टेट पार्टीज है ये एक बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है। स्टेट पार्टीज जो है, तो कुछ स्टेट पार्टीज ने नेशनल गवर्नमेंट को बनाने में अपना सपोर्ट दिया है, तो जैसे आप क्या देखेंगे, समाजवादी पार्टी हो गया, ठीक है, मिजो नेशनल फ्रंट हो गया, ठीक है, बीजू जनता दल हो गया, तो ये बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, जैसे साउथ इंडिया में चले जाओगे तो AIDMK हो गया, DMK हो गया, इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक अपना सिग्निफिकेंस रहा है, अपना एक सिग्निफिकेंस रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगर स्टेट पार्टीज में, तो स्टेट पार्टीज में एक पॉइंटर आपको ये ध्यान रखना है, स्टेट पार्टीज प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म। कैसे, क्योंकि वो क्या करती है, स्टेट पार्टीज उन रीजनल इंटरेस्ट को नेशनल पॉलिटिक्स में रिफ्लेक्ट करती है। तो इस तरह से स्टेट पार्टीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किस चीज में, फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने में। समझ में आया यहां तक, दिस वॉज ऑल अबाउट स्टेट पार्टीज। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने एक मेजर एस्पेक्ट कवर कर लिया चैप्टर का, पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, उनका मीनिंग, उनके फंक्शन, उनकी नेसेसिटी, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम बेस्ट है, से लगा के नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज तक। अब जब इतना कुछ पढ़ लिया है तो पॉलिटिकल पार्टीज में सब कुछ सही है क्या, नहीं, सब कुछ सही नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज डू फेस सम चैलेंजेस, और ये बनता है आपका एक बड़ा लॉन्ग आंसर में, एक फेवरेट क्वेश्चन बन जाता है टीचर्स का, What are the different challenges faced by political parties? तो यहाँ पे आपको 4 challenges बताना है। तो पहला एक इंट्रोडक्शन दे देंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज आर मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन डेमोक्रेसी, ब्ला 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 करके, ठीक है, एक इंट्रोडक्शन देंगे जिसमें बताएंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज डू फेस सम ऑफ द चैलेंजेस। What are those challenges? तो वो जो चैलेंजेस फेस करती है उसमें पहला चैलेंज जो है, पहला चैलेंज में आपको लिखना है कि पॉलिटिकल पार्टीज फेस लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी का तो विजिबल इंस्टीट्यूशन है लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के खुद के अंदर क्या है, आपको डेमोक्रेसी या फिर ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिलती है। क्या होता है कि पार्टी के जो टॉप लीडर्स रहते हैं सारे डिसीजंस वो ले रहे होते हैं, कोई ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं होता जिससे जो पार्टी की जो कह सकते हैं कि जो निचले लेवल पे जो क्या रहते हैं मेंबर्स रहते हैं उनका कोई से नहीं रहता है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी डिसीजन से डिसएग्री करते हैं तो आपके पास में डिसएग्रीमेंट का स्कोप नहीं रह जाएगा, आपको पॉलिटिकल पार्टी छोड़ना ही पड़ेगी, ठीक है। तो वो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई इंटरनल इलेक्शंस नहीं होते हैं, टॉप पार्टी लीडर्स पूरी कमांड अपने पास रखते हैं, तो ये क्या है, ये लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी को दर्शाता है। और वर्ल्ड वाइड बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी से जूझ रही होती है, तो पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज क्या है, दूसरा चैलेंज डायनेस्टिक सक्सेशन, द प्रॉब्लम ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में क्या देखने को मिलता है आपको कि कुछ डायनेस्टीज, कुछ फैमिलीज जो है वो डोमिनेट करती है, ठीक है, कैसे डोमिनेट करती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज में हमें ये देखने को मिलता है कि टॉप कमांड्स जो रहती है पॉलिटिकल पार्टीज में वो किसी एक फैमिली मेंबर के द्वारा, ठीक है, और ये इंडिया और इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड के अलग अलग ओल्डेस्ट डेमोक्रेसीज में भी आपको देखने को मिलेगा कि फैमिलीज डोमिनेट करती है, जैसे जो बुश फैमिली जो है तो वो क्या है यूएसए में डोमिनेट करती थी, ठीक है, ये एक समस्या आ गया है। इसका नुकसान क्या है, इसका नुकसान क्या है पता है आपको, नुकसान सबसे बड़ा ये है कि जो डिजर्विंग और कैपेबल कैंडिडेट्स रहते हैं ना वो कभी आगे नहीं आ पाते, क्यों, क्योंकि वंशवाद चल रहा होता है, डायनेस्टिक सक्सेशन के चलते नेपोटिज्म चल रहा होता है, जहां पे
जहां पे क्या होता है कि डोमिनेट कौन करता है, सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर, चाहे वो कैपेबल हो या इनकैपेबल हो। पिताजी अगर नेता थे तो उनका बेटा भी नेता बनेगा। डायनेस्टिक सक्सेशन वाला चैलेंज दूसरा हो गया। तीसरा जो है तो क्या है, मनी एंड मसल पावर जो होता है ना, ये एक तीसरा चैलेंज है कि क्या होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव जीतना है। चुनाव जीतने के लिए वो क्या करती है, एट टाइम्स टिकट्स किसको देती है, जिन लोगों के पास में ये पोटेंशियल हो कि वो फंड इकट्ठा कर पाए, जिन लोगों के पास बहुत पैसा होता है, टिकट्स पैसे से बिक जाती है। तो मनी जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, एट टाइम्स इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, उन लोगों को भी टिकट देती है जिनके क्रिमिनल कनेक्शंस है। क्यों? क्योंकि वो अपने बाहुबल के दम पे, ठीक है, बाहुबल के दम पे क्या कर लेंगे, इलेक्शन के रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस कर देंगे। तो तीसरा चैलेंज आपने देख लिया, मनी एंड मसल पावर वाला। चौथा चैलेंज जो होता है, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। पॉलिटिकल पार्टीज जो होते हैं ना, तो उनके बीच में डिफरेंसेस नहीं होते हैं, सभी लोग क्या कर रहे हैं, एक ही तरह की बात करते हैं। तो वोटर्स के पास में ऑप्शन नहीं है कि हम किन्हें चूज करें। क्यों? क्योंकि किसी को भी चूज कर लो, सब चोर हैं, सब लुटेरे हैं, तो चोर और लुटेरों में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता ना। ठीक है, तो आई थिंक आई एम मोर रेडिकल ओवर हियर, लेकिन पॉइंट ये है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही, सब एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे होते हैं, तो क्या है कि वो डेमोक्रेसी में जो हमारे पास ऑप्शन है ना, ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, तो ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम होता तो है लेकिन किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में आइडियोलॉजिकली डिफरेंस नहीं होते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज को लेकर डिफरेंस नहीं होते, सब एक जैसी बात करते हैं, तो फिर चूज करने से मतलब क्या रह जाएगा। एट टाइम्स लीडर में भी ऑप्शन नहीं रह जाते, क्योंकि जो लीडर आज इस पॉलिटिकल पार्टी में देखने को मिल रहे, कल वो उस पॉलिटिकल पार्टी में देखने को मिलेंगे। तो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस। ये चार चैलेंजेस आपको ध्यान रखना होंगे, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन, मनी एंड मसल पावर, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आपने समस्याएं तो देख ली है, जीवन में समस्याओं से ज्यादा किस चीज पे फोकस करना होगा, समाधान पे फोकस करना होगा। तो चैलेंजेस तो हैं, इन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म, तो इसमें आपको दो तीन चीजें समझना होगी। क्या निर्णय अभी तक लिए जा चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए, क्या सजेशंस हैं, और सजेशंस और जो कुछ लिया जा चुका है उसके अलावा क्या और दूसरे भी कोई तरीके हैं। तो इन तीन एस्पेक्ट को ये बड़ा सा टॉपिक आपका कवर करता है। तो जैसे अगर आप देखेंगे, सबसे पहली चीज, हाउ कैन पॉलिटिकल पार्टीज बी रिफॉर्म, तो पॉलिटिकल पार्टी जब तक रिफॉर्म नहीं आएगा, क्योंकि जब तक वो खुद लोग रिफॉर्म नहीं चाहेंगे, खुद लोग मतलब जब तक पार्टीज खुद रिफॉर्म नहीं चाहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमने फंक्शन में क्या देखा था कि पॉलिटिकल पार्टीज मेक लॉज। ठीक है, तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे खुद नहीं चाहेगी कि रिफॉर्म आए, तो वो ऐसे लॉ ही क्यों बनाएंगी, समझ रहे हो? तो उस सेंस में क्या है कि पॉलिटिकल पार्टी खुद ऐसा चाहना चाहिए कि रिफॉर्म आए, ठीक है, हम रिफॉर्म लाएं। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए जैसे आप देखोगे तो कुछ अभी तक स्टेप्स लिए गए हैं। क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। क्या पहले ये होता था कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो एमएलएज होते थे, एमपीज होते थे ना, तो दे यूज टू चेंज देयर पॉलिटिकल पार्टीज ऑफन। ठीक है, क्या होता था, कुछ कैश प्राइस के चलते क्या होता था कि वो अपनी पार्टीज बदल लेते थे। अब जब ऐसे पार्टीज बदल लेते थे, इस चीज को डिफेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो डिफेक्शन में क्या हो रहा है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप चुनाव जीते हो, उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेते हो। तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से पहले डिफेक्शन बहुत ज्यादा होता था। तो पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए, इस चैलेंज से ओवरकम करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, जिसके चलते अगर कोई एमपी और एमएलए पार्टी चेंज करता है तो पार्टी चेंज कर ले, लेकिन उसकी टिकट जो है, ठीक है, मतलब वो जहां से जो जीता है वो टिकट रद्द कर दी जाएगी, उन्हें फिर से फ्रेश इलेक्शंस लड़ना होगा। पॉलिटिकल पार्टी बदलोगे तो आपका क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी बदलने से आपका कह सकते हैं आपकी जो पोस्ट है एमपी की, एमएलए की, वो वहां से कैंसिल कर दी जाएगी। आपको फिर से चुनाव लड़ना होगा, आप फिर से जीतना चाह रहे हो उस दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की छतरी के अंडर में। ठीक है, तो वो केस रहता है। इससे एट टाइम्स की प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम इससे ये आई कि डिसकंटेंट आप नहीं शो कर सकते हो। अगर सच में भी पार्टी बदलना चाह रहे हो ना, तो ऐसे डिफेक्शन वाले लॉ के चलते आप बदल नहीं सकते, क्योंकि आपको पता अगर बदलूंगा तो मैं अपनी टिकट खो दूंगा। ठीक है, दूसरा जो रिफॉर्म लाया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी कर दिया क्या कि एक एफिडेविट फाइल किया जाए। हर वो कैंडिडेट जो इलेक्शन कंटेस्ट करने वाला, तो एक एफिडेविट फाइल करेगा जिसमें अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अपनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के साथ साथ ये बताएगा कि उसके अगेंस्ट में कोई सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग तो नहीं है। इससे क्या होगा, इससे आम जनता को पता चलेगा कि हम जिसे वोट देने जाएंगे वो इंसान की स्थिति क्या है। ठीक है, तो इस तरह से एफिडेविट फाइल करना मैंडेटरी हो गया, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद में ये एक निर्णय लिया गया कि मनी एंड मसल पावर जो, उसको थोड़ा कम किया जाए, कंट्रोल किया जाए। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज जैसे आप देखोगे तो इलेक्शन कमीशन ने अभी क्या कर दिया, मैंडेटरी कर दिया है कि पॉलिटिकल पार्टीज को इंटरनल इलेक्शंस करना होंगे। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को रेगुलर बेसिस पे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न मतलब क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज को बताना पड़ेगा कितना पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है। इससे क्या रहेगा, इससे एटलीस्ट वो जो मनी एंड मसल पावर वाला जो हमने चैलेंज पढ़ा था, तो मनी कैसे इन्फ्लुएंस करता है रिजल्ट्स को, उसे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज पे फोकस किया गया। तो ये कुछ निर्णय अभी तक लिए जा चुके हैं, लेकिन इसके अलावा
इसके अलावा भी कुछ सजेशंस हैं। क्या सजेशंस है? देखो, अब जैसे इनकम टैक्स फाइल करने की बात की है, तो उसके इनकम टैक्स फाइल तो कर रहे हैं लेकिन गारंटी नहीं है कि सही तरीके से कर रहे हैं, उसमें भी धांधली हो सकती है। जैसे एफिडेविट फाइल कर रहे हैं तो क्या गारंटी है कि इसको आप चेक कैसे करोगे कि जो एफिडेविट में उन्होंने लिखा है एकदम सही लिखा होगा? ठीक है, तो रिफॉर्म्स तो लाए गए लेकिन उन रिफॉर्म्स में भी क्या है, लूप होल्स है। तो उसी बेसिस पे क्या कुछ और सजेशंस भी दिए गए। क्या सजेशन दिए गए? तो तीन यहां पे सजेशन ध्यान रखना है आपको। क्या? सबसे पहली चीज, इंटरनल इलेक्शंस करवाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन एक खुद फॉलो करे पॉलिटिकल पार्टीज में जो टॉप पार्टी लीडर्स है वो डिसीजन ना ले। एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन हो पॉलिटिकल पार्टी का खुद का, उसके हिसाब से सारा काम चला जाए, टॉप पार्टी लीडर सब कुछ तय ना करें। ठीक है, तो वो लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी वाला जो चैलेंज था उसे चेक करने के लिए सजेशन है। दूसरा क्या है, ये मैंडेटरी होना चाहिए क्या कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, तो लोकल लेवल पे तो 1/3 सीट रिजर्व है, लेकिन स्टेट लेवल पे भी, नेशनल लेवल पे भी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करें, अपनी सीट्स रिजर्व कर दें। किसके लिए सीट्स रिजर्व कर दें? तो वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व कर दें। ठीक है, चौथा मतलब जैसे आप ये दूसरा सजेशन हो गया। तीसरा सजेशन जो है, तो स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए। आपको पता है कि चुनाव के समय में क्या है, पानी की तरह पैसा बहा दिया जाता है, तो पानी की तरह जो पैसा बहाया जाता है, तो उस चीज को चेक करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को स्टेट फंडिंग मिलना चाहिए कि सरकार पैसा दे दे कि ये लो ये पॉकेट मनी है, इतने में पूरा चुनाव करवाना है, तो पेट्रोल प्रचार प्रसार हर चीज के लिए क्या है आपको इतना पैसा मिल रहा है, तो वो जो पानी की तरह पैसा बहाया जाता है उसे कंट्रोल किया जा सके। तो ये कुछ सजेशंस है, ये कुछ स्टेप्स लिए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए। इसके अलावा जैसे अगर आप देखोगे तो इसके अलावा क्या है, एक पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि ये जो सारे रिफॉर्म्स है, अगर आप क्या करोगे, लीगल रिफॉर्म्स को बहुत ज्यादा टाइटली क्या करोगे, इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे ना, तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं। ऐसा रहता है ना, जब आप किसी चीज को किसी के लिए बहुत ज्यादा रोकते हो टोकते हो तो वो इंसान जरूर वो चीज करता है। तो ये बताया गया कि ये जो लीगल रिफॉर्म्स है बहुत क्या करना चाहिए, कॉशियसली आगे बढ़ना चाहिए लीगल रिफॉर्म्स के साथ में, बिकॉज अगर आप क्या करोगे, बहुत ज्यादा लॉस बनाओगे तो लोग ये देखेंगे लॉस को तोड़ के कैसे लूप होल्स निकाले जा सके, काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। इसके अलावा दो और बहुत अच्छे सजेशंस हैं जिससे हम पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सकते हैं। पहला ये है कि अल्टीमेटली पॉलिटिक्स में आप क्या देख रहे हैं, पॉलिटिक्स में सब पीपल मतलब सारी पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह क्या कर रही है, जनता का सपोर्ट चाह रही है, पीपल सपोर्ट चाहती है ना, तो उस चीज पे फोकस किया जाए। जब अगर जनता जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा, अगर जनता जागरूक हो जाएगी, अगर जनता क्या करेगी, प्रेशराइज करेगी, चेक रखेगी, इन सारी चीजों के चलते क्या होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को भी फील होगा कि अब क्या है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, लोग अवेयर हो गए, तो उससे क्या होगा, उससे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज खुद अपने आप रिफॉर्म होना चालू हो जाएगी। तो पब्लिक पार्टिसिपेशन या फिर कह सकते हैं पब्लिक का प्रेशर बनाना, पॉलिसीज में इंटरेस्ट लेना, ये एक फैक्टर हो सकता है। साथ ही साथ एक और जो दूसरा सजेशन है कि मतलब ये दो सजेशन है कैसे पब्लिक पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म कर सकता है। पहला तो प्रेशर बनाए, पार्टिसिपेशन दिखाए, ये सारी चीजें, और दूसरा सजेशन ये है कि पब्लिक चाह रही है क्या, पब्लिक ये चाहती है, आम जनता ये चाहती है कि पॉलिटिकल पार्टी में रिफॉर्म आए, लेकिन दोज हु कैन ब्रिंग द रिफॉर्म, ठीक है, जो लोग पोटेंशियल रखते हैं कि जो लोग चाह रहे हैं कि हाँ हम कुछ बदलाव ला सकते हैं, दे स्टे अलूफ फ्रॉम दी पॉलिटिकल पार्टीज। उन्हें लगता है कीचड़ है, कीचड़ में जाएंगे तो हम गंदे हो जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर आपको कीचड़ को साफ करना है तो आपको खुद उतरना पड़ेगा कीचड़ में, ठीक है। सो दोज हु आर एस्पायरिंग द चेंज शुड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल प्रोसेसेस, ठीक है। दूसरा ये है कि जो लोग बदलाव चाह रहे हैं उन्हें बदलाव लाने के लिए खुद उतरना पड़ेगा राजनीति में। ये दूसरा सजेशन था, ये सजेशन सबसे प्यारा था, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहां पे कंप्लीट होता है। तो आई होप एक रैपिड रिवीजन आपका इस चैप्टर में हो गया। फिर से अगर रिकॉल करें तो आपने पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के मीनिंग, फंक्शन, नेसेसिटी, ठीक है, उसी के साथ साथ में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम, नेशनल और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज को पढ़ा, और जो लास्ट के एस्पेक्ट्स हैं चैप्टर, उसमें आपने देखा कि क्या समस्याएं हैं, किन चैलेंजेस से पॉलिटिकल पार्टी जूझती है, और उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, तो क्या सजेशन है, क्या किया जा चुका है, और कैसे पब्लिक पार्टिसिपेशन चेंज लाने में एक मददगार टूल साबित हो सकता है। सो दिस वॉज द चैप्टर ऑल अबाउट, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, जहां से आप टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिए, आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कब कौन सा सेशन आने वाला है। साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, जहां पे आप नोट्स जो है, जो भी मैंने आपको एग्जाम पैक पढ़ाया, जो भी सारा सब कुछ पढ़ाया है, वो आपको मिल जाएगा। इसी तरह से जो आगे आने वाले चैप्टर हैं उनकी भी एक कहानी सीरीज भी मिल जाएगी, और साथ ही साथ स्पेशल क्लास वगैरह बहुत कुछ होता है ऐप पर, वो आप सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं यूजिंग द कोड DIGRAJ फाइन। जैसे कम्युनिटी सेक्शन से आप नोट्स अपने डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे चैप्टर की कहानी अभी के लिए, कहानी सीरीज में यहां समाप्त होती है। मिलते हैं एक और चैप्टर के साथ में कल, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।